ये आवाज, कहीं वो कहानी सच तो नहीं? मिस, हॉरर सेक्शन कहाँ है? हॉरर सेक्शन? ऐसा कोई सेक्शन है? लेट मी चेक। एक्चुअली है, रो 4 में रैक 7। ओके, थैंक्स। क्या नई बुक मिली है लाइब्रेरी से? मॉम, ये ट्रू स्टोरी है। हॉरर स्टोरीज ट्रू नहीं होती? होती है, ये काफी पुरानी है। एक लड़की की कहानी, उसका नाम काशिमा रायको था। इंटरेस्टिंग, सुनाओ मुझे अगर तुमने पूरी पढ़ ली है तो। ओके, बैठो आप फिर। ये कहानी करीब 50 साल पहले की है। काशिमा हाई स्कूल की एक स्टूडेंट थी। वो एक चुप चुप रहने वाली लड़की थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, तो उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, अपने काम से काम रखती थी। एक बार उसके क्लास के लड़के ने सबको पार्टी में बुलाया। हे, सब लोग आज शाम मेरे घर आओ, मैंने बर्थडे पार्टी रखी है और कल से वीकेंड है तो हम लोग देर तक धमाल करेंगे। Yahoo! Yahoo!
हैप्पी बर्थडे, मैं जरूर आऊंगी। ओके। अरे तुमने उस काशिमा को क्यों इनवाइट किया? वो कितनी पगली सी है, किसी से बात भी नहीं करती। अरे आने दो, आई थिंक शी नीड्स एन आइस ब्रेकर। हम लोग उसके साथ एक बड़ा प्रैंक करेंगे, आई होप फिर वो थोड़ा खुल जाएगी। कैसा प्रैंक? ओह माय गॉड, रियली? फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं सबको लेके जल्दी पहुंच जाऊंगी वहां पे। उस शाम को बर्थडे पार्टी में काशिमा पहुंची। उन लोगों ने देर रात तक पार्टी की, पर फिर रात को ना जाने ऐसा क्या हुआ अंदर, काशिमा वहां से रोते हुए बाहर आई। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अंदर क्या हुआ वो ऑथर ने डिस्क्लोज नहीं किया, पर आई थिंक वो काफी हॉट थी। वो अपने घर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। वहां कई लोग थे जो काशिमा को रोते हुए देख रहे थे। जापान में लोग अक्सर दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते। काशिमा की ट्रेन आ रही थी, वो शायद जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी, पर उसके दिमाग की बात वही जानती थी। जैसे ही ट्रेन उसके पास आई, वो एकदम से ट्रेन के आगे कूद गई। ऑथर ने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। सब जगह खून ही खून था, पूरा प्लेटफॉर्म लाल हो चुका था और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। काशिमा का शरीर ट्रेन से दो टुकड़ों में बट गया। ऊपर का हिस्सा ट्रैक पे पड़ा हुआ था और नीचे का हिस्सा ट्रेन अपने साथ ले गई। वो बहुत डरावना दृश्य था, पर यह भी लिखा है कि काशिमा के चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। उसको कितना दर्द हुआ होगा, पर उसके मुंह से आ नहीं निकली। ओह माय गॉड, उसने सुसाइड कर लिया? ऐसा क्यों किया उसने? वो तो मुझे नहीं पता, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रेलवे ऑफिशियल्स ने उसके बॉडी को हटा दिया, पर जहां बॉडी रखी थी वहां से वो अचानक कहां गायब हो गई किसी को नहीं पता। सब हैरान थे क्योंकि नीचे का धड़ तो किसी को मिला ही नहीं था और ऊपर का शरीर भी गायब हो गया। ये बहुत ही अजीब था।